असत्य पर हुई सत्य की विजय, होलिका का हुआ दहन, लोगों ने की होलिका की परिक्रमा, विश्व शांति सुख समृद्धि की कामना। आपको बता दें कि भक्त प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, जिसकी वजह से होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई थी और भक्त प्रहलाद बचकर बाहर आ गया था। भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप का वह पुत्र था जिसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से उसको अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि उसको जला नहीं पाई और होलिका जलकर राख हो गई। इसी दिन को आज होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है होलिका त्यौहार, जिसमें प्रतिवर्ष होली को जलाया जाता है और विश्व समृद्धि की कामना, सुख समृद्धि की कामना की जाती है कि जिस तरह असत्य पर सत्य की विजय हुई है और भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद अग्नि से सकुशल लौट कर आए हैं।